बिन बात के किसी की गांड उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बिना किसी बॉलीवुड के Assalamualaikum, my name is Muhammad Umar and you are watching Nobi Reaction. 50 cut over acting के ज़्यादा बकवास की है। अच्छा तो कैसे हैं आप? तो आप सोच रहे होगे इसने आज इंट्रो चेंज किया है, ये नमस्ते सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप सब, इस तरह का कुछ नहीं बोला। तो क्योंकि आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ उसका एक जुमला बोलना बनता है। तो कैसे हैं आप सब? तो यार मैं कैरी मिनाटी की वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ और लेटेस्ट वीडियो है, लेकिन इसको काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे लिए लेटेस्ट और उसके चैनल पे लेटेस्ट है। और वीडियो का टाइटल है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। तो डिस्क्लेमर तो भाई बनता है, तो अगर आप फीमेल हो, अगर गालियाँ नहीं सुनना चाहती तो वीडियो स्किप कर दो, अगर आप बच्चे हो तो यकीनन आप इधर से पहले ही फुर्सत में निकल। तो यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं वीडियो में क्या है। और ये स्कैरी मिनाटी की वीडियो और भी ज़्यादा शराफत वाली होने लगी है। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी कैरी को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे बकवास करना बनता नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1, हियर वी गो। यार हरामी ऊपर आ गए सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी हैं, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार बिन बात के किसी की गांड उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बिना किसी बॉलीवुड के। अब तुम मानो ना मानो, गाली हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ सब नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी सब जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बेंचो मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू मने टाप मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओ पॉट्स M40। ओके, प्रमोशन भी साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। यार रिसेंटली मैं वो देख रहा था कि कैरी ने अनबॉक्स किया तो मोबाइल अनबॉक्स किया, तो कैरी पे काफी मीम्स बन रही है भाई, तूने टेक्निकल क्रिटिक का काम किया, उसने तेरा चैनल हैक कर दिया। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो, मैंने डाला, मैंने बस ज़ेन में आ गया ये अनबॉक्सिंग देख के। पैसे भी कमा लिए हैं कैरी, ना कर तेरा दूसरा चैनल भी जाएगा। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है, कहानियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। बॉलीवुड इंडियन ड्रामा में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? लड़की है तो छोरो वीडियो जाओ। Has better characteristics for paintability. Thicker and stronger. Far superior product. अभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो, सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। आर्टिकल आ जाएंगे। के बाद भाई
we quickly remove content that violates these policies. बाकी ये मुझे नहीं समझ आती ये क्यों नहीं रिमूव हो रही। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा, दंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने, अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी, ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है, इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉल मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। Carry on fire. Gyan. अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, लेकिन हरामी वो भी होते हैं कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा भूत अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी काट सके, वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो, इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धि है, इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूँ, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानिगांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फटगी बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। समझ सकता हूँ, जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मातर चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं भाई, भाई समझ के बोल रहे हैं यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस, आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियाँ दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार बस, हो गया। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो mevi.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। वो है 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। तो इतनी गालियाँ यार, कहरी क्या करती है। तो खैर यार, वीडियो के रिव्यू पर बात करते हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी और यलगार के जो जब से यलगार रिलीज़ हुआ है उसके काफ़ी देर बाद ये वीडियो आई है, काफ़ी देर बाद वीडियो आई है। लेकिन कैरी की व्यूअरशिप मैंने एक वीडियो देख के अंदाज़ा लगाया, इसके व्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हुए हैं क्योंकि इसके सब्सक्राइबर और यलगार कैसा हिट हुआ है, तो इसी वजह से इसकी व्यूवरशिप भी बढ़ गई है। तो कंग्रेचुलेशन टू कैरी मिनाटी। तो यार अगर वीडियो के रिव्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और जिस तरह वीडियो की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी है, जैसे कैरी गांडू गांडू बोल रहा था ना, तो तू भी गांडू, तू भी गांडी, ये मुझे अंदाज़
आथू ओ मतलब बिल्कुल पसंद आया, और जैसे कभी भी शर्मा का मुझे ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मुझे ये अंदाज बिल्कुल पसंद आया। तो यार मैं एक जगह कैरी से मुतफिक नहीं हूँ, वो ये कि कैरी बता रहा था कि कुछ लोग इस तरह आम रूटीन में भी गाली निकालते हैं, तो आम रूटीन में वही निकालता है जो बात करते हुए वही निकालता है, जो गालियाँ ज़्यादा देता है उसकी मतलब जो बात दूसरों से दूसरे पर्सन से बात करता है तो उसमें भी गालियाँ आ जाती है, तो सिर्फ ये वही शख्स निकालता है जो ज़्यादा गालियाँ देता हो, क्योंकि जो सब ज़्यादा गालियाँ देता होगा उसकी आम लाइफ में भी गालियाँ आ जाती हैं, तो ये स्पेशल लोग नहीं होते या कोई कैटेगरी नहीं होती, ये ऑलरेडी कोई गालियाँ निकाल रहे होते हैं। यार वीडियो में काफ़ी अच्छी बात की गई है, ये है कि हर रिलीजन में गालियाँ मना की गई हैं, और क्योंकि ये बैड हैबिट्स की तरफ लेके जाती हैं तो इसलिए हर रिलीजन में इसको बुरा समझा जाता है, फोकस किया जाता है और इसे मना किया भी जाता है कि इस तरह की लैंग्वेज ना बोला जाए, और सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती और सोसाइटी में भी बुरा भला समझा जाता है, और लेकिन जो जिनका ग्रुप होता है वो जो लोंडे बैठे होते हैं 5-6 लड़के और ये इनका ग्रुप जा रहा है वहाँ, वो जो अच्छी सबसे अच्छी गाली थी वाह तेरी क्या सलूट है, सलूट यार मतलब तू छा गया तू हीरा है, तरह लड़कों का ये सीन रहता है, और अभी जैसे कि हालात चल रहे हैं अब तो लड़कियां भी बहुत आखिर। तो यार जो सबसे पहले हमारा काम है वो ना गांडू को जिस बंदे ने गाली इजाद की थी उस बंदे को लेके आओ जमीन पे लटाओ, और पंजाब पुलिस वाला छितर मारो उसको लगे समझ, यार मतलब तूने क्या इजाद कर दिया भाई, तेरी वजह से हर कोई मतलब इतना गांडू मशहूर हो गया कि अब कोई के भी ना तो गुस्सा नहीं करने का दिल करता, अब इतना ये चल गया और कितना लाइफ में बोलते हैं लोग इसको, तो अब ये मेरी तरफ ना देखो, मुझे नहीं लोग कहते ये आपकी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ना, मेरी तरफ ना हो सॉरी भाई, मुझे तो बड़े एहतराम से बुलाते हैं उमर भाई के नाम से। यार कैरी की क्वालिटी पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, और उसे हर वीक में एक वीडियो लेके आनी चाहिए, और इसमें एक प्रमोशन का भी पार्ट था, और मतलब वो भी इस तरह फ़नी वे में करता है, और रिसेंटली कैरी ने एक अनबॉक्सिंग की थी, और अनबॉक्सिंग भी उसने इस तरह की थी कि यार डिफरेंट, अगर आप यूट्यूबर के टेक चैनल्स ओपन करोगे और उनकी अनबॉक्सिंग देखो बंदा बोर हो जाता है, और कैरी ने क्या मतलब स्पेसिफिकेशन बताई हैं और इंटरटेनमेंट से बताई हैं देख के दिल खुश हो गया, और इस तरह की वीडियोस आनी चाहिए थोड़ी इंटरटेनमेंट की हो। तो मुझे रिसेंटली मैंने एक मीम पढ़ी थी जिसमें वो कह रहे थे, आपको भी पता होगा कैरी का चैनल हैक हो गया था, तो उसका वो ब्लेम कर रहे थे टेक्निकल गुरीची में, और ये कह रहे थे कि इस बंदे ने कैरी ने अनबॉक्सिंग की है फ़ोन की और टेक्निकल जी ने उसका। तो यार ये सीरियस ना ले जाना, ये सब मजाक है, ये मीम्स बनती रहती हैं और ये इस तरह शुगल चलता रहता है। टेक्निकल गुरुजी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और एक मतलब समझदार इंसान है, वो इस तरह का चुतियापा नहीं कर सकता, इससे जस्ट मीम और इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।